आपको अचानक कोई फोन आ सकता है जिस पर कोई आपको काम करने का और अच्छे पैसे कमाने का मौका दे सकता है। आपकी सेहत, आपकी इनकम, आपका कर्ज और यहाँ तक कि आपकी भावनाएं, इन सभी बातों की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का हमारा ये वीडियो जैक कैनफील्ड की किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपना मन चाहा काम करके भी अमीर बन सकते हैं, कैसे हम आसान प्रिंसिपल्स का उपयोग करके जीवन में सफल हो सकते हैं और हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। मैंने इस किताब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लें। दोस्तों, अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अभी तक जीवन में जो भी परिणाम मिले हैं, उन सभी की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने अभी तक जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, आपको जो भी परिणाम मिले हैं, लोगों के साथ आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी इनकम, आपका कर्ज और यहाँ तक कि आपकी भावनाएं, इन सभी बातों की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। बचपन से ही अपने परिवार, अपने दोस्त और आसपास के लोगों को देखकर हम ये सीख जाते हैं कि जब भी हमें ऐसे परिणाम मिलते हैं जो हम नहीं चाहते, तो उनके लिए हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे टीचर या हमारे साथ काम करने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं। अपने वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के लिए हम खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप आज से ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। आप अपने जीवन में केवल 3 चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, और वो है आपके विचार, आपके काम और जो मानसिक तस्वीरें आप अपने दिमाग में देखते हैं। आपको मिलने वाले परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि इन 3 चीजों को आप अपने जीवन में कैसे नियंत्रित करते हैं। अपने उद्देश्य की खोज करें। सफलता का दूसरा नियम ये है कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके लक्ष्य के अनुसार ही आपको अपने जीवन के सभी बड़े फैसले लेने होंगे। एडिसन का लक्ष्य था उन सभी चीजों को बनाना जिनकी लोगों को जरूरत है और जिसके लिए लोग पैसे खर्च करने को तैयार हों। एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनका लक्ष्य था अपने आधे जीवन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धन कमाना और बाकी के आधे जीवन में वो सारा धन दूसरों को दे देना। लेखक जैक कैनफील्ड के जीवन का लक्ष्य है लोगों को प्रेम, खुशी और आनंद से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। जीवन के लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि आप 2 वर्ष या अगले 5 वर्ष में क्या करना चाहते हैं। जीवन के लक्ष्य का मतलब है कि आप अपने पूरे जीवन में ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो और उस लक्ष्य से दूसरों का भी भला हो। उदाहरण के तौर पर एडिसन ने ऐसे आविष्कार किए जिसका उपयोग आज पूरी दुनिया में हो रहा है। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको इस तरह से सोचना होगा कि अगर आपके पास वो सब कुछ हो जो आपको अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, तो आप अपने जीवन में क्या करते। जीवन के लक्ष्य का मतलब ये है कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं और आप क्या करने के लिए आए हैं। निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हैं। जब आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और सफलता के नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो आपके साथ अपने आप ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपको अचानक कोई फोन आ सकता है जिस पर कोई आपको काम करने का और अच्छे पैसे कमाने का मौका दे सकता है। आपको अचानक से कहीं से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। आपका कोई दोस्त या आपकी जान पहचान का कोई व्यक्ति अचानक आपकी मदद करने को तैयार हो सकता है। आपके साथ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी, जैसे ये सब कुछ होने की योजना पहले से ही बना दी गई हो।
असल में जब आप जिंदगी में कुछ करने का लक्ष्य बनाते हैं तो ब्रह्मांड उसे हासिल करने में आपकी मदद करता है। ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता। इसका एकमात्र कारण ये है कि उन्हें खुद ये स्पष्ट नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तो आपका अवचेतन मन ये कैसे जान पाएगा कि आपको क्या चाहिए। अपनी दृष्टि और अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। अपने सभी छोटे और बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। प्राथमिकताएं वे नहीं जो लोग आपसे चाहते हैं या आपके परिवार के सदस्य आपसे चाहते हैं। प्राथमिकताएं आपकी वो इच्छाएं हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, यानी वो काम जो आप दिल से करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आप ये सोचिए कि आपका लक्ष्य कहीं आपके सिद्धांतों के खिलाफ तो नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बहुत अधिक धन हासिल करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने गैर कानूनी काम करके भी बहुत अधिक धन हासिल किया है, जैसे कि ड्रग्स बेचकर। आपको देखना होगा कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके सिद्धांत के अनुसार है या नहीं। इसलिए जीवन में वही लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके स्वाभिमान और आपके सिद्धांत के अनुसार हो, जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरों का भी। किसी और के सपनों को ना जिएं। एक बार जैक एक डॉक्टर से मिले जो एक साल में 3.5 लाख डॉलर कमा रहे थे। उनका सपना था कि वो गाड़ियों का काम करें। वो एक मैकेनिक बनना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि उनके माता पिता कभी उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उनके कहने पर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वो एक डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद भी गाड़ियों में उनकी बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जैक ने उन्हें कुछ गाड़ियां खरीद कर सप्ताह के अंत में उन पर काम करने की सलाह दी। डॉक्टर ने ठीक वैसा ही किया। ऐसा करने से उनके माता पिता की इच्छा भी पूरी हो गई और उनकी खुद की इच्छा भी। सप्ताह के अंत में वो एक ऐसा काम करने लगे जो उनका सपना था। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि लक्ष्य निर्धारित करते समय लोग खुद के साथ ईमानदार नहीं होते। अगर लोग दूसरों की इच्छा की बजाय अपने सपनों को प्राथमिकता दें तो वो ये जान जाएंगे कि उनके सपने उनके माता पिता और दूसरे लोगों की इच्छाओं से कहीं बढ़कर हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है तो वो काम आपको कभी बोझ नहीं लगता, और जब आप पूरी लगन से उस काम को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होते हैं। अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। दोस्तों, आप जीवन में जो भी चाहते हैं उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें एक कागज पर लिखें। जब आप लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि वो एक BMW गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। आप इन सब चीजों को अपनी सूची में लिख सकते हैं, लेकिन असल में वो चीजें आपके लक्ष्य नहीं है। ये सब तो केवल आपकी जरूरतें हैं। आपको सोचना होगा कि इन सभी चीजों को हासिल करके आप क्या महसूस करना चाहते हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से और ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप प्रेम और खुशी महसूस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें। आप खुश रहना चाहते हैं और खुद को दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप असल में क्या चाहते हैं और कैसा महसूस करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपके बाकी लक्ष्य जैसे कि गाड़ी, घर और पैसा कमाना, ये सब हासिल करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। क्या आपकी जीविका आपको रोक रही है? ज्यादातर लोग इसलिए अपनी असली इच्छा को व्यक्त नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करने से वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे, या ऐसा काम करने से वो इतने पैसे नहीं कमा सकते जिससे उनके रोज के खर्चे चल सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ओपरा विनफ्री, जो कि अमेरिका की एक एक्टर और निर्माता थीं, वे नए नए लोगों से मिलती थीं और उनसे बातचीत करती थीं। यही उनका काम था और वो अपने शो भी चलाती थीं, जिसमें वो लोगों से बातचीत करती थीं और इससे उन्हें पैसे भी मिलते थे। लेखक जैक कैनफील्ड के एक मित्र डायन ब्राउस, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल कंपनी के मालिक हैं, दुनिया भर के शहरों में घूमते हैं और नए नए लोगों से बातचीत करते हैं। यही उनका काम है और वो अपने काम से बहुत ढेर सारे पैसे कमाते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप अपनी दिलचस्पी वाले काम से पैसा नहीं कमा सकते। आप किसी भी काम से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उस काम को करने का जोखिम उठाना होगा और उससे धन कमाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि बिना जोखिम उठाए आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जो चाहते हैं उसे मानसिक तस्वीरों में देखें। मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया से आप अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए एक ऐसी जगह को चुनें जो बिल्कुल शांत हो। मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया में आप एक एक करके अपने जीवन के हर हिस्से की मानसिक तस्वीर देखें। पहला, सबसे पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखें। आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे चाहते हैं, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, और उस घर को डिटेल में देखें। घर की दीवारें कौन सी रंग की हैं, घर में कौन कौन सा सामान है और किस तरह के कारपेट बिछे हैं। अपने सपनों के घर को तस्वीरों के रूप में डिटेल में देखें। दूसरा, उसके बाद देखें कि आप किस तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो किस कंपनी की गाड़ी है और कौन से रंग की है। गाड़ी के अंदर लगी सीटें, म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, सब कुछ डिटेल में देखें। तीसरा, उसके बाद अपने करियर की मानसिक तस्वीरें देखें। आप कौन सा काम करना चाहते हैं और किन लोगों के साथ करना चाहते हैं। आप नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। अपने काम से आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन में आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं और आप काम से किस तरह के परिणाम चाहते हैं। इन सभी चीजों को मानसिक तस्वीरों के रूप में देखें। चौथा, आप अपने शरीर और अपने सेहत की मानसिक तस्वीरें देखें। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए आप क्या करते हैं। आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं या आप कौन सा ऐसा ध्यान लगाते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। पांचवा, उसके बाद अपने रिश्तों की मानसिक तस्वीरें देखें। अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आप कैसे रिश्ते बनाना चाहते हैं। लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या उनमें प्रेम और मधुरता है। क्या आप अपने रिश्तों में प्रेम और मधुरता देखना चाहते हैं। आप अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मानसिक तस्वीरों के रूप में देखने के लिए पहले इन्हें एक कागज पर लिखें। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मैंने आपको अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों की मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया समझाई है, तो अब आप उन सभी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। सफलता के अपने रास्ते की कल्पना करें। मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये शक्ति हम सबके पास है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये सफलता प्राप्त करने के लिए और जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कितनी कारगर है। ये प्रक्रिया तीन तरह से काम करती है। पहली, मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया आपके अवचेतन मन की रचना शक्ति को सक्रिय करती है। रचनात्मक शक्ति के सक्रिय होने से आपके मन में रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरा, जब आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्ति सक्रिय हो जाती है, तो अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए आपको रास्ते दिखाई देते हैं और काम करने के मौके मिलते हैं जो पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आते। तीसरा, मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया ऐसे लोगों को, मौकों को और परिस्थितियों को आपके सामने लाती हैं जो आपको आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचाने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करती हैं। हमारा अवचेतन मन इस तरह से हमारी मानसिक तस्वीरों पर काम करता है, और ये सब हमें स्कूलों और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। हम में से ज्यादातर लोग हर रोज मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन हम सब इस बात से अनजान हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। हम लोग हर रोज किसी न किसी बात की चिंता करते हैं और अपने मन में कुछ न कुछ बुरा होने की तस्वीरें देखते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि इस तरह की चिंता करने
और नकारात्मक तस्वीरें देखने से हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम मानसिक तौर पर अपने आप को असफल होने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए हमें चिंता करने की बजाय इस शक्तिशाली प्रक्रिया को अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मानसिक तस्वीरों में अपने भविष्य को देखने की प्रक्रिया। मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको बस आँखों को बंद करके खुद को भविष्य में देखना है, वो भविष्य जिसके आप सपने देखते हैं और जिसकी आप शुरुआत से अपने मन में इच्छा रखते हैं। मानसिक तस्वीरों में आपको ये देखना है कि जो भी आप अपने भविष्य में चाहते हैं वो सब आपको मिल चुका है और आप उन सभी चीजों का आनंद उठा रहे हैं। फिर चाहे वो अपने सपनों का घर हो, अपनी मनपसंद गाड़ी, अपनी मनपसंद छुट्टियां मनाने की जगह या आपके मधुर रिश्ते, आपको मानसिक तस्वीरों में ये देखना है कि ये सब चीजें आप पा चुके हैं और इनके साथ अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। सही कार्य क्षेत्र का चुनाव करें और उस पर पूरा ध्यान लगाएं। हम सब में कोई ना कोई ऐसा काम करने की काबिलियत है जिसे हम पूरे प्रेम और दिलचस्पी के साथ करते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस काम में हमारी दिलचस्पी होती है वो काम हमें कभी बोझ नहीं लगता और उसे करने में बहुत आनंद आता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि उसे करने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उस काम से पैसे कमाने का तरीका ढूंढ पाएं तो उस काम में आप अपना करियर बना सकते हैं और जीवन भर उसे कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि किस काम में उनकी काबिलियत सबसे अधिक है, इसलिए वो किसी ऐसे काम को अपना करियर बना लेते हैं जिसमें उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती और ज्यादा काबिलियत भी नहीं होती। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी उसी काम को कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें भी यही काम करना चाहिए। कई बार तो लोग अपनी दिलचस्पी और काबिलियत वाले काम को अपने प्रोफेशन के तौर पर अपनाने से शर्माते या डरते हैं। ऐसे लोग अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और जीवन में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। सबसे अधिक काबिलियत वाले काम का चुनाव करें। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि कौन से काम में आपकी काबिलियत सबसे अधिक है। वो कौन सा काम है जिसमें आपके सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऐसा काम जिसमें आप कम समय में खुद को विकसित कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये पता लगाने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप उस काम को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। इसके लिए आप हर रोज थोड़ा समय निकालिए और उन सभी कामों की लिस्ट बनाइए जिन्हें करने में आपको आनंद आता है और जिन्हें आप अच्छी तरह से कर पाते हैं। उसके बाद आपको देखना होगा कि उन कामों में से कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और जिसकी आज के समय में सबसे अधिक मांग है। आपको उसी कार्य को अपने प्रोफेशन के तौर पर चुनना होगा जिसमें आपकी काबिलियत भी हो और आज के समय में जिसकी मांग भी हो। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सही कार्य क्षेत्र का चुनाव नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें भी वही करना चाहिए जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपने जीवन में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सही कार्य क्षेत्र का चुनाव करना होगा, क्योंकि सही काम का चुनाव करना सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा, आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि अपने लक्ष्य के अनुसार ही आपको अपने जीवन के सभी बड़े फैसले लेने होंगे। तीसरा, दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपना जीवन बर्बाद ना करें, हमेशा वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। चौथा, आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उन सभी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। पांचवा, मानसिक तस्वीर या विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया से आप
अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। छठा, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि कौन से काम में आपकी काबिलियत सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, इसी के साथ द सक्सेस प्रिंसिपल्स किताब का पहला पार्ट समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए द सक्सेस प्रिंसिपल्स का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।